तो ये एक गलती है जिसको सुधारा जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चमत्कार हो तो अपने जाप की मात्रा को इतना बढ़ा दीजिए कि वो इतनी ज्यादा ऊर्जा शक्ति का निर्माण कर दे कि आप स्वयं ही नहीं बल्कि आप तो सुखी हो ही, आपका परिवार और आपका गांव तक, आपके गांव के पशु पक्षी सब निरोगी हों, स्वस्थ हों, सभी की नेगेटिविटी समाप्त हो, सभी का मन शांत हो, शांतिमय हो और सभी का कल्याण हो सके। और इवन इतना ही नहीं, आप अपने राज्य का, अपने शहर का, अपने देश का, अपने पड़ोस के गांव का, सभी का भला कर सकें। तो वो कैसे होगा? जब आप ओम सिद्ध गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें प्रतिदिन, किसी भी दिन छोड़िए नहीं, बाथरूम में कीजिए, चलते फिरते कीजिए, कोई काम करते हुए मन मन में करते रहिए, खाना खाते हुए कीजिए, अगर आप ड्रिंक भी लेते हैं तो भी कर सकते हैं, कोई मांसाहार भी करता है, नॉनवेज खाता है तो वो भी कर सकता है, नॉनवेज खा के भी कर सकते हैं, आप शराब पीते हुए भी ये जाप कर सकते हैं। सोचिए इससे बेहतर जाप और मैं आपको क्या बताऊं कि जिसमें आपको परहेज ही कोई नहीं करना है, कोई नियम ही नहीं है। आप किसी भी समय जाप कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, बिना नहाए भी कर सकते हैं, लेट के टीवी देखते हुए कर सकते हैं, मैच देखते हुए कर सकते हैं, फिल्म देखते हुए कर सकते हैं, क्योंकि इस जाप में आपको श्रद्धा और विश्वास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जाप जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, गिनती बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे। बड़े बड़े काम जो आपने सोच के बैठे थे, जो नहीं हो रहे थे, वो तुरंत हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे चमत्कार होंगे कि कोई काम आप करने जा रहे हैं वो काम अपने आप हो जाएगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा, आपको आवाज़ आएगी कि बेटा ये काम कर लो, ये मत करो। तो इस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं और इससे आपका एनर्जी फील्ड जो है, जैसे जैसे जाप बढ़ेगा तो उस साधक का एनर्जी फील्ड ठीक होता चला जाएगा, नेगेटिव एनर्जी फील्ड से पॉजिटिव एनर्जी फील्ड होता जाएगा, संतुलित होता चला जाएगा। और जब एनर्जी फील्ड संतुलित होगा तो व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं संपूर्णतः समाप्त होंगी, सब समस्याएं हल होंगी, उसके लोग, जानने वाले, यार दोस्त, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, सब अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे, सब झगड़ा छोड़ देंगे, सब शांतिमय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जाप जो है आप निरंतर करते रहिए, पर किसी के बारे में बुरी इच्छाएं मत कीजिए, अच्छी इच्छाएं कीजिए। और किसी भी वस्तु के, किसी भी जीव के एनर्जी फील्ड को सुधारा जा सकता है जिससे वो हमारे लिए अच्छी हो जाए, लाभकारी हो जाए, चाहे वो गाड़ी हो, साइकिल हो, चाहे बाइक हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर हो। ठीक है, उसकी विधियां मैं आगे बताऊंगा, आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।